हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को चार्जशीट पेश की। इसमें लॉरेंस बिश्नोई समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया गया, साथ ही 44 गवाह बने। पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि 15 जून 2022 को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर वकील की ड्रेस में लॉरेंस बिश्नोई से मिलने पहुंचे। इस दौरान लॉरेंस ने निर्देश दिए थे कि राहुल टेहट का मर्डर करने के बाद जयपुर में व्यापारियों, होटल मालिकों और क्लब मालिकों को धमकाकर करोड़ों रुपए वसूलने हैं। बता दें कि राजू टेहट की हत्या दिसंबर 2022 में की थी। चार्जशीट के अनुसार बिश्नोई गैंग के रोहित गोदार ने 28 जनवरी 2023 को जी क्लब के मालिक अक्षय गुरनानी को व्हाट्सएप कॉल कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की धमकी दी थी। रंगदारी नहीं देने पर जी क्लब पर फायरिंग करवाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई के निर्देश के तहत गोल्डी बराड, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर और सोनू मराठा ने चार शूटर्स फायरिंग के लिए बीकानेर और आगरा से भिजवाए थे। फायरिंग में यूज हथियार गोल्डी बराड, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा ने ऋतिक बॉक्सर से कॉन्टैक्ट कर विशाल वर्मा की मदद से शूटर्स को जयपुर में उपलब्ध करवाया। अभय सिंह चैनपुरा ने ऋतिक बॉक्सर के कहने से हथियार वाले को पैसे दिए थे। बीकानेर के शूटर ऋषभ उर्फ यशचंद राजमार, नाबालिग आरोपी आगरा के शूटर भूपेंद्र गुर्जर उर्फ थापा, प्रदीप शुक्ला उर्फ बाबा को उमेश सिंह ने अपने जानकार रविंद्र सिंह, रोहित पासवान की मदद से रामचंद्र सिंह की होटल में रुकवाया। हरिभजन और अनीता मेघवाल से रुपए की व्यवस्था करवाई गई थी। 28 जनवरी की रात में फायरिंग करवाकर मौके पर धमकी की पर्ची डाली। फायरिंग के बाद ऋतिक बॉक्सर ने अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अमेरिका 28 जनवरी की रात में फायरिंग करवाकर मौके पर धमकी की पर्ची डाली। फायरिंग के बाद ऋतिक बॉक्सर ने अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अमेरिका में रहने वाले फॉलोअर्स जयराम से पोस्ट डलवाई। इसमें लिखा, राम राम जयपुर, ये जी क्लब जयपुर पर फायरिंग हुई है, ये मैंने ऋतिक रोशन बॉक्स। इसमें लिखा, राम राम जयपुर, ये जी क्लब जयपुर पर फायरिंग हुई है, मैं ऋतिक बॉक्सर, अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है। याद रहे, सबका नंबर आएगा। जय बलकारी, एलबी गैंग।